हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं मंचूरियन बनाने जा रही हूँ, जिसके कि ये सामान जो भी सामग्री है मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। मैंने दो प्याज लिया है जिसे कि कट करके रख लिया है, और ये धनिया पत्ती है उसको भी मैंने बारीक कट करके रखा है। दो टमाटर हैं, शिमला मिर्च है, और ये हरी मिर्च है जिसको कि मैंने कट करके रखा है, और ये पत्ता गोभी बड़ी थी इसलिए इसको मैंने हाफ लिया, और ये कॉर्नफ्लोर है मक्की का आटा, और ये हल्दी और लाल मिर्च। फ्रेंड्स, ये देखिए लाल किसी मिर्च है, और ये नमक है, और ये सोया सॉस है, और ये टमाटो सॉस है, और चिली सॉस है। अब मैं चलती हूँ इसको क्रश करने और फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने पत्ता गोभी को अच्छी तरह से धो करके और इस तरह बारीक क्रश कर लिया है। अब मैं इसमें धनिया पत्ती डालूंगी, जो मैंने धनिया पत्ती डाल लिया, और कटी हुई हरी मिर्च, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और हल्का सा नमक, और ये पिसी हुई लाल मिर्च, और साथ में थोड़ी सी हल्दी डालना है। और इसको मैं पूरी तरह से, फ्रेंड्स ये देखिए इसमें सारे मसाले में डाल करके इसको मिक्स करके, अब इसी में मैं ये मक्के का आटा जो है कॉर्नफ्लोर इसको ऐड करूँगी, ये देखिए, और इसको पूरी तरह ऐड करके इस तरह। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, और ये बॉल्स को तो डाल करके इस तरह हल्के हल्के आंच में धीमी आंच पर ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है, और फ्राई करके मैं फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने जो बॉल्स बनाए थे ये पूरी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब मैं चलती हूँ गैस में ग्रेवी तैयार कर। फ्रेंड्स, ये देखिए कढ़ाई में मैं तेल डाल दी हूँ, ये तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, ये कटी हुई जो प्याज थी उसको मैंने डाल दिया है, और इसे हल्का सा इस तरह ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। फ्रेंड्स, ये देखिए ये ब्राउन हो रहा है धीरे धीरे। अब मैं इसमें अदरक जो कि थोड़ा सा क्रश करके रखा था इसको मैं डालती हूँ, साथ में हरी मिर्च जो काट के रखी हूँ इसे ऐड कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये देखिए पिसी हुई लाल मिर्च थोड़ा सा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, और इस तरह ये पूरी तरह जो मैश हो जाते हैं, ये मिक्स होने के बाद मैं इसमें शिमला मिर्च जो एक काट करके रखी थी उसको ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए ये सारे इसमें मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए प्याज हल्का सा गल चुका है ये, और अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, तो मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है, और 1/2 टेबल स्पून जरा सी हल्दी डाली है। फ्रेंड्स, ये देखिए ये पूरी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें सोया सॉस डालूंगी, साथ में टमाटो केचप, और चिली सॉस इसको डाल करके अच्छी तरह से ये मिक्स कर दूंगी। और जैसे ही ये मिक्स हो जाता है मैं इसमें जो कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार करके रखा है उसको ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ये घोल डाल दिया है, अब इसको डाल करके 5 मिनट तक यूँ छोड़ दूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें सभी बॉल्स को ये डाल रही हूँ, और इस तरह ये पूरे बॉल्स डाल करके और इसको फिर एक साथ मिक्स कर देंगे, और 5 मिनट ये मिक्स करने के बाद इस तरह और इसे
गैस को धीमा करके बंद कर देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, ये ग्रेवी मंचूरियन तैयार हो चुकी है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट और तीखी चटपटी है। आप भी इस तरह बना करके देखिएगा और कैसा लगा आपको, और लाइक करिएगा, बस सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा।